देख रहे हैं आप नेक्स्ट नाइन न्यूज। एक बार फिर से है आप सभी का स्वागत हमारे चैनल में, जहां मैं आपकी होस्ट तृप्ति लेकर आई हूं ट्रेंडिंग बॉलीवुड। हमारा ये स्पेशल प्रोग्राम, हम ट्रेंड की बात करते हैं तो ट्रेंडिंग बॉलीवुड में चलिए आपको रूबरू करा दे कि ट्रेंड से जुड़ी वो तमाम खबरें क्या आई हैं इस वक्त। जी हाँ, आर्यन खान का इंस्टाग्राम पर अपना तस्वीर शेयर करने को लेकर सोशल मीडिया पर खान फैमिली का इस तरह से स्ट्रिक्ट होकर एक्शन लेना। गौरी ने पोस्ट शेयर करना ही छोड़ दिया था क्योंकि आर्यन के जेल जाने के बाद गौरी जश्न भूल ही चुकी थी, घर पर मीठा पकवान बनना बंद हो चुका था। शाहरुख खान सिर्फ कॉफी पे कॉफी पीकर दिन रात नोट्स बनाते थे कि कैसे वो वकीलों की मदद कर सके। ना सिर्फ फाइनेंशियली स्ट्रॉन्ग शाहरुख खान ने करोड़ों रुपए दांव पर लगा दिए थे अपने बेटे के लिए, बल्कि उन्होंने अपनी नींद, अपने चैन, अपने सुख, अपना भूख प्यास सब कुछ भूलकर सिर्फ आर्यन को आजादी जेल से दिलाने के लिए दिन रात एक कर दिया था। अब इस वक्त खान परिवार के फैसले तमाम बड़े आए हैं। आर्यन खान की वो फैसले क्या है अपनी जिंदगी को लेकर, ड्रग कार्टल, ड्रग रैकेट्स, ये सब इस वक्त बॉलीवुड में काफी गंभीर मामले की ओर बढ़ता जा रहा है। बीते साल सुशांत के गुजर जाने के बाद ये मामले की शुरुआत रिया चक्रवर्ती की गिरफ्तारी के बाद हुई और धीरे धीरे इस मामले में इंटरोगेशन श्रद्धा कपूर, सारा अली खान पटौदी, रकुल प्रीत सिंह की भी होती चली गई। इनफैक्ट दीपिका पादुकोण की भी इंटरोगेशन हुई थी। और देखते ही देखते ना सिर्फ बॉलीवुड बल्कि साउथ इंडस्ट्री भी इस ड्रग मामले में काफी ज्यादा घिरता चला गया और अब इस साल जो है आर्यन खान का जेल चले जाना सवालों में रहा। बच्चन परिवार का चुप रहना सबसे ज्यादा चौंकाने वाला था। ना तो अमिताभ, ना ऐश्वर्या, ना अभिषेक ने सोशल मीडिया पर एक भी पोस्ट नहीं की। आर्यन की वापसी के बावजूद उस खान परिवार के साथ दिवाली हर साल धूमधाम से मनाने वाला बच्चन परिवार ऐसा क्यों कर रहा है? बच्चन परिवार के रवैया खान परिवार के साथ, शाहरुख खान की बेस्टी कही जाने वाली काजोल को ही देखिए, उन्होंने भी एक भी बार कुछ भी नहीं कहा। क्या वाकई में पर्सनली शाहरुख खान के लिए बच्चन परिवार और काजोल के परिवार ने सपोर्ट सिस्टम बनने का फैसला लिया था, या फिर सोशल मीडिया से उनका दूरी बनाना अपनी इमेज को बचाने जैसा ही था और इनके मन में कुछ ऐसा था जो कि वो ड्रग मामले को लेकर कटाक्ष ना करना चाहते थे और ना ही किसी भी तरह के विवादों का हिस्सा बनना चाहते थे। बॉलीवुड दो गुट में बटी, एक तरफ कंगना रनौत जो कि आर्यन को गलत मानी और उन्होंने कहा कि इस वक्त सही गलत का फर्क समझने की जरूरत है और बच्चे की गलती को सपोर्ट करने के बजाय उन्हें उनकी गलती का एहसास दिलाने की जरूरत है। दूसरी तरफ ऋतिक रोशन, सुजैन खान, पूजा भट्ट से लेकर सोनू सूद से लेकर मीका सिंह से लेकर बॉलीवुड इंडस्ट्री में सोनम कपूर से लेकर हर बड़े वो कलाकार, यहाँ तक कि कांग्रेस के नेता नवाब मलिक तक, सब ने जो है सो शाहरुख के बेटे आर्यन के सपोर्ट में कहा। सुप्रीम कोर्ट के लॉयर रहे मुकुल रोहतगी, जिन्होंने आर्यन को रिप्रेजेंट किया। ऐसे में सोचने वाली बात ये है कि वाकई में क्या बच्चन परिवार और देवगन परिवार, जो कि शाहरुख के सबसे करीब है, फैमिली के करीब है, उन्होंने वाकई में, फैमिली ने पर्सनली शाहरुख को सपोर्ट किया, ये सोचने वाली बात है, जिसका जवाब तो अब फैमिली ही दे सकती है। आइए जानते हैं इस बारे में क्या है फैमिली का फैसला। देखिए रिपोर्ट। आर्यन खान के लिए वाकई में आसान नहीं था इस तरह से ड्रग मामले में इस तरह से शामिल होने को लेकर, इतना ट्रोल होने के बावजूद भी मीडिया के सामने बिल्कुल नॉर्मल रिएक्ट करना, लेकिन आर्यन ने ऐसा किया है। शाहरुख के बेटे हैं आर्यन, वो समझते हैं उनके पिता का सम्मान कितना है, भारत ही नहीं पूरी दुनिया भर में, इसलिए उनका बिहेवियर काबिले तारीफ था। जिस तरह उन्होंने बिहेव किया, जिस तरह उन्होंने अपने आप को समझाया और जिस तरह वो जेल के अंदर भी बिहेव करते रहे, कोऑपरेट करते रहे, इसकी तारीफ तो हमेशा की जाएगी। लेकिन इसके अलावा आर्यन खान की बात हो रही है तो हम आपको यहाँ हमारी इस रिपोर्ट में ये भी बताना चाहेंगे कि आर्यन खान ने फैसले भी कुछ ऐसे लिए हैं जो शायद आपको मालूम ना हो। हाल ही में उन्होंने अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर से अपना प्रोफाइल फोटो ही डिलीट कर दिया और लगा दिया बिल्कुल सफेद एक फोटो जिसमें ना कुछ दिख रहा है। सफेद मतलब शांति का प्रतीक। जी हाँ, आर्यन खान ने सफेद फोटो लगाया है, प्लेन
व्हाइट फोटो, जिससे मालूम चलता है कि उसमें वो नहीं दिख रहे हैं, एकदम सफेद रंग दिख रहा है, बिल्कुल सफेद सादा कागज की तरह, जो कि सफेद मतलब शांति का प्रतीक है, यानी कि आर्यन अब घर आकर शांत है। जी हाँ, आर्थर रोड जेल में 25 दिन गुजारने के बाद आर्यन खान घर लौट आए हैं और वो घर में ही रहना चाहते हैं क्योंकि उनके पास कोई ऑप्शन भी नहीं है। हाई कोर्ट ने उनका जो है सो ले रखा है अपना पासपोर्ट, तो उन्हें बगैर इजाज़त के आउट ऑफ इंडिया ट्रैवल करने भी नहीं दिया जाएगा, तो इसलिए आर्यन खान के पास फिलहाल ऑप्शन और कुछ नहीं है, वो घर पर ही हैं। तो यहाँ हम आपको हमारी इस रिपोर्ट में ये बताना चाहेंगे फिलहाल कि आर्यन खान के इस फैसले के बारे में तो आपने जाना। इसके अलावा हम आपको हमारे इस रिपोर्ट में ये बताना चाहेंगे कि आर्यन खान को लेकर खबर आई है कि आर्यन जो है सो अभी फिलहाल के लिए अपने फैमिली को यहीं रहकर अपने पिता को सपोर्ट करेंगे। तो ये कदम है आर्यन खान का बहुत दर्द भरा कि वो इंस्टाग्राम पर अपने फैंस के बीच, सोशल मीडिया पर अपने लोगों के बीच अपने आप को दिखाना नहीं चाहते हैं, वो बिल्कुल शांति चाहते हैं क्योंकि जो बेचैन वो रहे हैं, जो मेंटली पीस का वो तलाश कर रहे थे, घर लौटने के बाद उन्हें मिला है, उन्हें किसी चीज़ से मतलब नहीं। मुंबई टू गोवा जाने वाली क्रूज में होने वाली छापेमारी के दौरान आर्यन खान को अरबाज मर्चेन, मुर्मू दमेचा समेत कई और लोगों के बीच पकड़ा गया और दूसरे ही दिन 3 अक्टूबर को उन्हें गिरफ्तार कर एनसीबी हिरासत में ले बैठी और उसके बाद ना मेडिकल जांच किया गया, ना ही उनके पास से कोई भी ड्रग्स से जुड़ा सामान बरामद हुआ। इसके बावजूद उन पर आरोप थे कि इंटरनेशनल ड्रग रैकेट में वो शामिल हैं और अरबाज मर्चेंट के साथ वो ड्रग्स पार्टी में ड्रग्स के लिए ही आए थे। इन सभी इल्ज़ामों के बाद ट्रॉलर्स का सामना करने वाले आर्यन खान को बॉलीवुड में अपने सभी पिता के दोस्त यारों से सपोर्ट तो मिला, लेकिन घर रिश्तेदारों के बीच आर्यन को संभाला जा रहा है। आर्यन कैद हैं और ऐसे में आर्यन के बॉलीवुड फ्रेंड्स में अगर देखा जाए तो सवाल ये है कि काजोल, अमिताभ बच्चन, जया बच्चन, ये सब जो आर्यन के लिए जो है आर्यन को अपने बच्चे की तरह ट्रीट करते आए, उन्होंने क्यों उन्हें सपोर्ट के लिए उनसे मिलने तक नहीं आए। शाहरुख खान ने अपने फैमिली और फ्रेंड्स के लिए घर का दरवाज़ा तो खोल दिया लेकिन फिर भी घर के दरवाजे तक नहीं पहुंचा अमिताभ, अभिषेक, ऐश्वर्या, जया में से कोई भी सदस्य। इनफैक्ट गौरी की काफ़ी अच्छी दोस्त रहने वाली श्वेता बच्चन भी उनके घर नहीं पहुंची। नव्या नवेली, नंदा भी, ना ही अगस्त्या जो कि आर्यन और सुहाना के काफ़ी करीब है, उनमें से भी किसी को मन्नत की ओर बढ़ते हुए नहीं देखा गया। ऐश्वर्या, अभिषेक, पूरा परिवार का ये रवैया देखकर लोग चौंक गए हैं कि आखिर सलमान खान भी जब अपने पिता सलीम, अपनी बहन अलवीरा के साथ मन्नत विजिट करने गए थे शाहरुख गौरी को, तो बच्चन परिवार क्यों विजिट करने नहीं गए, जिनसे बिल्कुल रिश्ता पारिवारिक रहा है शाहरुख खान का। इससे तकलीफ तो शाहरुख को ज़रूर है, लेकिन यहाँ पर आर्यन खान के पोस्ट की बात की जाए तो इंस्टा पर उनकी इस तस्वीर को देखकर लोग बहुत ज़्यादा चौंक गए हैं। इस तरह से आर्यन ने अपनी जो है सो डीपी को पूरा सफ़ेद बना दिया है, जिससे वो अंदर से तकलीफ में हैं ये साफ मालूम चल रहा है। आर्यन खान को बहुत ज़्यादा ही तकलीफ हो रही है ये सब देखकर मालूम चलता है। वैसे आपको बताना चाहेंगे आर्यन खान को ट्रोल भी जमकर किया गया। काजोल तो दुबई तक पहुंच गई इवेंट के लिए, फिल्म फेयर अचीवर्स नाइट के लिए, लेकिन काजोल ने शाहरुख के लिए कुछ नहीं कहा, वो उनके घर विजिट करने नहीं गई। अमिताभ सोशल मीडिया पर लगातार एक्टिव हैं, अभिषेक बच्चन भी, लेकिन इन्होंने भी एक शब्द नहीं लिखा आर्यन खान के नाम। क्यों आखिर ऐसा है, क्या आप जवाब दे सकते हैं हमें कॉमेंट बॉक्स में। तो आपने जाना कि अब तक जो रिपोर्ट आई वो कहती है कि बच्चन परिवार और देवगन परिवार ने शाहरुख को कोई कॉल नहीं किया था। काजोल DDLJ को लेकर स्पेशल मोमेंट शेयर करने पर ट्रोल भी हुई थी। सलमान खान ने सपोर्ट जरूर किया शाहरुख को, लेकिन जब उन्होंने जश्न मनाया ट्रेलर लॉन्च के मौके पर वो नजर आए और तो और अपने भाई, अपने ब्रदर इन लॉ आयुष शर्मा का बर्थडे मनाया तो वो भी ट्रोल हुए। लेकिन बात यहाँ पर शाहरुख खान के सपोर्ट सिस्टम हमेशा बनने वाले, उनके फादर सम्मान रहने वाले, यानी कि
फादर फिगर कहे जाने वाले उनके पिता सलमान शाहरुख खान के अपने सबसे करीबी उनके आइडल अमिताभ बच्चन की करें या फिर उनकी ऑन स्क्रीन मॉम जया बच्चन की करें। इन्होंने कुछ भी ऐसा नहीं किया जिसकी वजह से सवाल है उनके रिश्ते पर क्या दरार आ रही है, ये तो वक्त बताएगा। फिलहाल वक्त हो गया है आपसे इजाजत लेने का। देखते रहें नेक्स्ट 9 न्यूज़। नमस्कार।